बुल इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। जो है छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के मतदान के लिए 17 दिसंबर को वोटिंग होनी है। कांग्रेस भाजपा समेत सभी राजनीतिक दल धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच 70 सीटों में से 25% सीटों पर हम नाम प्रत्याशी यानी कि एक जैसे नाम होने के कारण राष्ट्रीय पार्टियों के स्टार प्रचारकों को प्रत्याशियों की जगह चुनाव चिन्ह के प्रचार पर जोर देना पड़ रहा है। कुछ जगह पर जानबूझकर भी हम नाम प्रत्याशियों को उतारा गया है। इसके पहले भी हम नाम पॉलिटिक्स में राष्ट्रीय फस्ती जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को प्रदेश दौरे पर पहुंच गई हैं। वो रायपुर में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो भी कर रही हैं। प्रियंका शाम को 4:45 के बाद से रायपुर पहुंची और राजीव गांधी चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद कोतवाली चौक, सती बाजार, ब्रह्मण पारा और शीतला माता चौक, आदि तिवारी स्कूल, अंपारा चौक, अग्रसेन चौक से तेलघानी चौक तक रोड शो किया। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए महासमुंद की आखिरी सभा ले ली और उन्होंने कहा कि काम में 30% लेने वाले कक्का का जाना पक्का है, यानी कि 7 और 17 तारीख के चुनाव में गरीबों का आवास रोकने वाली कांग्रेस सरकार की विदाई तय हो गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है, लूटो और अपनी तिजोरी भरो। छग जिस विकास का हकदार है छत्तीसगढ़, वो भाजपा की सरकार ही दे पाएगी और बस भाजपा की सरकार के संभव कर पाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भाजपा ने राज्य बनाया है और इसे संवारने का काम भी भाजपा ही करेगी। राजधानी रायपुर के मोवा थाना क्षेत्र के प्रेमनगर में स्थित गड्ढे की और जो वहां पर गद्दे की फैक्ट्री है उसके गोदाम में भीषण आग लग गई है और देखते ही देखते आग के लपटे पूरे फैक्ट्री के गोदाम को आगोश में ले लिए। सूचना पर आग को बुझाने दमकल की गाड़ियां भी पहुंची। लगातार मशक्कत करने के बाद से किसी तरह से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक जो दुकान में माल रखे हुए थे, जो सामान रखे हुए थे, वो बुरी तरह से जल करके राख हो गए थे। छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।